1.4 मिलियन डॉलर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1.4 मिलियन डॉलर्स कितना होता है, 1.4 मिलियन US डॉलर्स है, तो 11,000 मतलब 11 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए हो गए यहाँ पे एक स्टोर से। 1.4 मिलियन डॉलर मतलब 12 करोड़ रुपए, ड्रॉप शिपिंग से 12 करोड़ रुपए। दोस्तों आज मैं आपको अपना एक स्टोर दिखाऊंगा जिसमें मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूं, सामान चाइना से डायरेक्टली मेरे कस्टमर्स के पास जाता है, मैं कोई भी स्टॉक अपने पास होल्ड नहीं करता हूं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको पहले भी ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया है, पर ये मैं आपको अपना एक जेन्युइन स्टोर दिखाऊंगा, उसके प्रोडक्ट दिखाऊंगा, जिसको आप अगर चाहें, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं भी करना है तो उसे आप इंडिया में अमेजोन पे बेच सकते हैं, या किसी भी कंट्री में रहते हैं आप उसे अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। बहुत हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है, 10-12 प्रोडक्ट है उस स्टोर में। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उन सब प्रोडक्ट ने मिलकर मुझे एक स्टोर से 12 करोड़ रुपए बनाया। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो में अंत तक देखिएगा, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपना एक स्टोर जिसने 12 करोड़ रुपए कमाए हैं। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं फ्रीडम लाइफस्टाइल। $1.4 मिलियन देख रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 3, 1.4 मिलियन डॉलर। आप देखिए 1.4 मिलियन डॉलर INR में कितना होता है, 11 करोड़ रुपया से जा रहा है करीब 12 करोड़ रुपया, समझ रहे हैं, ये हो गया 1.4 मिलियन डॉलर। ये एक मेरा स्टोर है, तो आपको मैं सारा दिखा रहा हूँ। अभी ये मैंने बंद किया हुआ है बिकॉज ये सामान थोड़ा ये हो गया, क्या बोलते हैं, तो मैं चाइना से सामान मंगाता हूँ, स्टॉक थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। चाइना में अभी भी कोविड का बहुत प्रॉब्लम है, तो वहां पे सप्लायर ने बोला कि फैक्ट्री बंद है, तो मैंने भी स्टोर को बंद किया हुआ। बिकॉज देखिए, जब तक आप सामान भेजिएगा नहीं कस्टमर को, कस्टमर हैप्पी नहीं होगा। बेचने का मतलब सिर्फ बेचने से ही नहीं है, सामान पहुंचना चाहिए, वरना जो हमारे पेमेंट प्रोसेसर्स होते हैं जिससे हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं, वो कस्टमर को सामान नहीं मिलेगा तो उस पर जाके वो क्या बोलते हैं, उसके डिस्प्यूट डाल देते हैं, चार्जबैक डाल देते हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने अभी बंद किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया 1.4 मिलियन डॉलर, तो 12 करोड़ रुपए हो गए। अब देखिए ये जो स्टोर है मेरा, मेरा जो स्टोर है यहाँ मैं जाता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, वीओ ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे गए तो ये देखिए बजोला है। देखिए इस पे मैंने एक सामान बताया था, ये बहुत बिका था, ठीक है, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप जाके उसे देख सकते हैं, काफी अच्छा वीडियो है जिसमें सबसे ज्यादा स्टोर में यही सामान बिका है, ठीक है, सबसे ज्यादा बिका है ये। तो इंडिया में देखिए चाइना से सामान मंगाने में बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बिकॉज इससे क्या कर सकते हैं ना, आप इसको अमेजोन पे इंडिया में अमेजोन में बेच सकते हैं। तो आप मेरे ये स्टोर जाइएगा, bazola.net है, bazola.net स्टोर पे जाइएगा और ये सामान देखिएगा, काफी अच्छे स्पाई इक्विपमेंट है यहाँ पे। जैसे आप देखिए ये कैमरा है, ये भी वीडियो कैमरा है पर घड़ी में, ये भी कैमरा है पर ये मोबाइल में, ये भी कैमरा है समझ रहे ग्लोबल, ये चश्मा है इसमें सब सारे वीडियो कैमरा, ये चश्मा है, सनग्लासेस है इसमें भी है, मैं आपको सब दिखाता हूँ, तब आपको पता चले कि कौन से सामान बिकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं क्या बेचे यार, क्या बेचे क्या नहीं बेचे, तो यहाँ पे आपको पता चले क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। देखिएगा यहाँ पे काफी हाई, देखिए आप मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ, इस पे तो मैं काफी बना चुका हूँ वीडियो, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, इस पे आपको देखना होगा, जाके देखिएगा, काफी बिका ये सामान, काफी अच्छा सामान है ये। ये एक नॉर्मल मोबाइल चार्जर है, इस पे वीडियो कैमरा है, ओके, इस पे मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप जाके देखिएगा उसको। और देखिए यहाँ पे ये दूसरा हो गया, ये वॉच है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स वॉच है, काफी बिका था, ये कोई कैमरा नहीं है, ठीक है, पर ये मुझे दिखा था, मुझे काफी अच्छा लगा ये और मैंने इसको सेल किया था और ये काफी बिका था ये, ठीक है। आप देखिए ये वॉच है, काफी अच्छा लग रहा है, अभी इसको देख रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्मार्ट वॉच है, काफी हाई क्वालिटी का, काफी अच्छा वॉच है ये। मैं बेच रहा हूँ $50 में, पर मैं खरीदता था इसे $16 में, सारा मेरा जो माल है चाइना से आता था। तो आपको ये समझ कि चाइना से मंगाने में प्रॉब्लम होगा, इंडिया में भी मिल जाएगा, इंडिया में होलसेल वेबसाइट है, गूगल पे जाइए टाइप कीजिए होलसेल, वहां भी मिल जाएगा। अब ये देखिए ये है सनग्लासेस, वीडियो कैमरा ग्लासेस है ये, आप इसको चश्मा पहनिए, साइकिल चलाइए, जो भी चाहिए, इसके अंदर कैमरा है भाई, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर कैमरा है, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है ये सर। प्रोडक्ट जानते हैं तीन ही भी बहुत, दो तीन जिसमें पैशन हो या फिर बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, यूजफुल प्रोडक्ट हो, ये सब काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, लोगों के बहुत काम आते हैं। इसे मैं देखिए $55 में बेचता हूँ, 16 GB का, 32 ये 8 GB 16 32 का ये, तो ये सारा चाइना से आता है, देख रहे हैं ये। तो आप जाइए मेरे वेबसाइट पे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्या सामान पे अमेजोन पे, तो आप फ्री में बेच सकते हैं। मैं बेचता हूँ जनरली फेसबुक एड से, तो मैं आपको एड भी बता दिखाऊंगा कि एड कैसे मैं यूज करता हूँ, बाद में बताऊंगा वो, अभी आप ये सामान देख लीजिए जो मैं बेचता हूँ,
ये मेरा एक वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वेबसाइट है। ये देखिए पेन कैमरा है, तो इसे आप अपने शर्ट के ऊपर, शर्ट में जो पॉकेट होता है फ्रंट पॉकेट में, इसे लगा लीजिए और ये आपका कैमरा होगा, ये रिकॉर्ड करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे है, तो ये भी काफी बिका, काफी बिका ये सब। तो ये सब अभी मैंने बंद किया हुआ, बिकॉज मेरा जो सप्लायर में बताया चाइना में कोविड फैला हुआ है, अभी भी फैला हुआ वहां पे काफी, तो गवर्नमेंट ने काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है, तो वहां से सामान आने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बंद करते हैं, बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे काफी अच्छे रिव्यूज भी हैं। तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए bazola.net है, आप इसको देखिए। देखिए ये एक निच वेबसाइट है, इसमें मैंने क्या किया ना कि इसमें सिर्फ स्पाइस इक्विपमेंट ही रखा हूं, क्योंकि ये बहुत बिकता है और बहुत ज्यादा सामान नहीं है। देखिए इतना, चार हो गए, चार चार आठ, चार बारह, सोलह 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 सामान हो गए, एक दो सामान ही अलग है, जैसे ये थोड़ा अलग हो गया, समझ ना। ये डिफ्यूजर है, ये काफी बिका है मेरा, ये इसी से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, बहुत ज्यादा बिका था ये सामान, अनबिलीवेबल। ओके, और ये अलग सामान, ये भी उसी का नीचे समझ, तो बाकी सब एक ही है। तो लोग क्या होता है ना कि आते हैं, मतलब मैं ऐड डालता हूँ तो लोग ऐड से आते हैं, तो इसमें देखिए सामान 10-12 डाल दीजिएगा तो क्या होगा कि सामान अगर कस्टमर मान ली इसको लेने आता, साथ में एक दो और ले लेगा। आप मार्केट जाते होंगे, आप सोच के जाते हैं यार मुझे दूध लेना है, पर आप दुकान में घुसते हैं तो दूध और आपको सामान ही दिखती है, आप उसके सामान ले लेते हैं, यही होता है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर जो लोग सोच रहे हैं कि क्या सामान बिकता है क्या नहीं बिकता, आप मेरे वेबसाइट पे जाइए bazola.net, उसको सर्च मारिए गूगल में, आप देखिए यहाँ पे सामान कैसे मैंने कैसे मैं सामान को वेबसाइट पे, देखिए ये आपका स्टोर है, ठीक है, जैसे दुकान होता है ये आपका दुकान है, तो आपको मेक श्योर करना है कि लोग जब आपके दुकान पे आते हैं तो आपका दुकान अच्छा होना चाहिए भैया, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स, आपको बहुत मैटर का, बहुत ही हाई क्लास आपको मैं स्टफ सिखा रहा हूँ, ये कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए आप इसको जाके देखिए मैंने कैसे बनाया, कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन लग रहा है, कोई कुछ नहीं, देख ना एकदम सारा कुछ है अच्छे से, यहाँ पे डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, टर्म्स है, 30 डे, देखिए COVID-19 अपडेट भी मैं डाला हुआ, बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, यहाँ फेसबुक पेज है, यहाँ ईमेल है, इतने सारे हम कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा अबाउट एस है, ऑर्डर स्टेटस है, कॉन्टैक्ट एस है, सब कुछ डाला हुआ है, help@bazola.com। और यहाँ पे जाके देखिए जो मैं प्रोडक्ट डालता हूँ तो प्रोडक्ट का हेडलाइन कैसे लिखते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए आप जो प्रोडक्ट कहीं भी प्रोडक्ट डालिएगा ना, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऊपर में प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके नीचे जस्ट रिव्यूज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कस्टमर जब लैंड करता है तो वो हेडलाइन के नीचे रिव्यू देखता, 355 रिव्यूज, 4.5 5 स्टार, तो उनको काफी आपके वेबसाइट पर ट्रस्ट हो जाएगा। तो आप ये सब इंडिया में आपको 100% मिल जाएगा। गूगल में जाकर टाइप कीजिएगा ना कि होलसेल सप्लायर्स जो होते हैं, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स, तो मिल जाएगा। देखिए आपके सामने मैं करता हूँ, वहां पे भी मिल जाएंगे, देखिए ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, सप्लायर इंडिया, या फिर होलसेलर सप्लायर इंडिया, ड्रॉप शिपर बोल दीजिए या होलसेलर बोल दीजिए, देखिए सीजे ड्रॉप शिपिंग है, अच्छा अलीबाबा, ये तो इंडिया में नहीं आएगा, इंडिया में आप इंडिया में मंगा सकते हैं थोड़ा बहुत करके, देखिए इंडिया में मंगा सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाइना से। अगर आपको ये सामान, देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये अगर आपको सामान मंगाना है चाइना से, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊँ, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास GST नहीं है, कोई बात नहीं है, समझे। आप क्या कीजिए, आप जिस घर में रहते हैं, आप मोहल्ले में आप 5-6 लोगों को तो जानते ही जानते होंगे, या 10 लोग दोस्त होंगे आपके, रिश्तेदार होंगे, सबका एड्रेस ले लीजिए, फिर क्या कीजिए ना, अगर आपको पसंद आया आपने अलीबाबा में जाइए, alibaba.com है जो चाइना का वेबसाइट है, alibaba.com, समझ रहे, alibaba.com पे जाइए, यहाँ पे आपको ये सारे सप्लायर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको आप बोलिए कि भैया मुझे ना 20 पीस चाहिए ये, ठीक है, आपको मान लो अमेजोन में बेचना है तो 20 पीस मंगा लीजिए, चाइना से मंगाइएगा सस्ता पड़ेगा, इंडिया में मिल जाएगा, मतलब होलसेल आप जाकर ढूंढिएगा ना गूगल में, ड्रॉप शिपिंग, मेहनत करना पड़ेगा, सप्लायर तो ढूंढना पड़ेगा भाई, क्योंकि तो इंडिया में चाइना से मंगाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देखिए आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए हो तो इंडिया से मंगा लीजिए, इंडिया में जो लोग हैं तो वो आपको आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एनीवे, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको चाइना से ही मंगाना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए, जाके सामान को ढूंढिए, अलीबाबा पे जाके वही सामान ढूंढिए, यहाँ पे जब आपको भरोसा हो जाए तो आप सप्लायर को बोलिए कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 8-10 एड्रेस ले लीजिए, बोले भैया मैं तुम्हारे घर पे कुछ सामान मंगाऊंगा। और बहुत लोग करते हैं, एक ही पैकेज में आप 20 मंगाइएगा 25 मंगाइएगा तो कस्टम पकड़ लेगा उसको, समझ रहे, और फिर आपको लाइसेंस मांगेगा, ये मांगेगा, GST लगेगा, वो लगेगा। उससे बचने के लिए आप
आपको मान लो 20 मंगाना है, 20 पीस, तो हर एड्रेस पे तीन चार मंगाइए तो कस्टम कुछ नहीं करेगा, आपका पैकेज आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक है। 20 पीस मंगाना है, पांच एड्रेस पे चार चार पीस मंगा लीजिए, आपके 20 पीस हो गए, या 20 पीस में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 20 पीस अगर आपने भेज दिया, उसके बाद आप प्रॉपर अपना बिजनेस रजिस्टर कर लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, उसके बाद लग जाइए काम में। समझे, मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, ठीक है, पर ये बहुत ज्यादा मत करिएगा, बिकॉज थोड़ा बहुत कभी कभी कर सकते हैं, और दो तीन चार पीस मंगाइएगा एक पैकेज में तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो 5-10 एड्रेस ले लीजिए दोस्तों के, रिश्तेदारों के, और वहां पे मंगा लीजिए, आपका जितना मन करे 20-30-40-50 पीस मंगा लीजिए, उसके बाद उसको बेचना शुरू कर दीजिए अमेजोन पे। अमेजोन पे जाके बेचना है, देखिए मैंने कैसे लिखा, ये डिस्क्रिप्शन सारा कुछ जाके अच्छे से लिखिए, मेरे वेबसाइट पे जाइए, काफी आप भी कर सकते हैं, मैं करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। देखिए $1.4 million बहुत ज्यादा रकम होता है, 11 से 12 करोड़ रुपए। अभी तो मैं बंद किया हुआ है, जब चाइना में कोविड सिचुएशन ठीक हो जाएगा फिर बेचूंगा। तो अगर आपको ये सब चीज सीखना है, देखिए यहाँ पे मैंने ये कोर्स फ्री में देता हूँ, बहुत लोगों को मैं बहुत मतलब देखिए जिनको जरूरत है उनको फ्री में देता हूँ। देखिए यार झूठ बोल के लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, देखिए मेरा भी मेहनत लगता है, मैंने बहुत काफी सस्ते में 3,000 रुपया कुछ नहीं होता है यार। बहुत लोग बोलते हैं सर पैसे नहीं, भैया 3,000 रुपया ना आज के जमाने में सबके पास है, मोबाइल स्मार्टफोन में सब यूज करते हैं, इतना कम दाम रखा है। यही वेस्टर्न मार्केट में मैं यही कोर्स को 50,000 रुपया बेचता हूँ, आप समझे, पर इंडिया के लिए मैंने स्पेशली वेबसाइट 3,000 रुपया बहुत कम है, बिकॉज फ्री में आपको दे दूंगा, वैल्यू नहीं कीजिएगा, तो थोड़ा पैसे लगा के खरीदिएगा, इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे मैं क्या करता हूँ, लंबा प्रोसेस है, आप अच्छे से सीखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको बाय करना है आप जाके यहाँ बाय कर सकते हैं, और ऐसे रिजल्ट आपको चाहिए सारा कुछ मैं प्रोसेस बताऊँ कैसे मैं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, आई होप आपका अच्छा लगा, तब तक के लिए बाय।